एमसी द्वारा सर्वे हुआ इनको गिराने का, फिर डीएम साहब महोदय से बातचीत हुई, ये कैंसिल हुआ। अब उसको छोड़ दिया, इनको दे दिया। हर 8 दिन में 13 आदमी की नोटिस देते का अतिक्रमण था, कौन कौन कैसा क्या हटाने के लिए आए हुए थे? देखिए 15 दिन पहले पीएनसी द्वारा नोटिस दी गई थी व्यापारियों को, और उसके पहले इस तरफ के व्यापारियों को दी गई थी। व्यापारी पीएनसी विभाग द्वारा आए दिन व्यापारियों को परेशान किया जा रहा था। आज उन्होंने अनाउंस करके 25 तारीख को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। उसके लिए सारे व्यापारी परेशान थे, उनकी पूरी टीम आ गई थी पीएनसी वालों की, और पूरे दलबल के साथ वो हमारे व्यापारियों के मकान गिराने के उद्देश्य से आए थे। जैसे सूचना व्यापार मंडलों को लगी, पूरे समस्त पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए, और उन अधिकारियों का, पीएनसी के अधिकारियों का निवेदन किया गया, उनका विरोध किया गया कि जो भी कार्रवाई हो लीगल तरीके से हो, अनलीगल तरीके से ना हो। इसी दौरान पूरी घटनाक्रम से अपने सदर विधायक युवराज सिंह जी को भी हम लोगों ने अवगत कराया, और सूचना पाकर हमारे सदर विधायक मौके पर आए और सक्षम अधिकारियों से बात करके इस मामले को बिल्कुल निरस्त कर दिया। और उनका कहना है कि 2024 तक किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, जो अस्थायी अतिक्रमण है वो त्यौहार के बाद हटाया जाएगा, ऐसे हमारे विधायक। तो NHI के जो आला अधिकारी हैं वो किस प्रकार मतलब अतिक्रमण हटाने के लिए कह रहे थे? वो नगर पंचायत द्वारा किसी प्रकार से शिकायत दी गई है लिखित, तो उस शिकायत के अनुसार से जो SDM साहब ने उनको आदेशित किया उस आधार पर वो आए थे, लेकिन उनके पास कोई ठोस आधार नहीं था कि कोई शासनादेश हो या किसी सक्षम अधिकारी के निर्देश। जमीन नगर पंचायत के अंडर में आती है या फिर पीएनसी के अंडर? नहीं, हम तो नहीं कहेंगे कि नगर पंचायत के अंतर्गत आती है। हमारे व्यापारियों को 65 साल पुराने बैनामे है, नगर पंचायत हाउस टैक्स लगा है, नक्शा पास किए हुए, ये जमीन हमारी है, हमारे व्यापारियों की है, किसी की नहीं है। आज यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम आई हुई थी, क्या मामला था और क्या हुआ? जी मामला कुछ नहीं था, मामला ये था कि हाईवे में फोर लेन होना आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे जो फोर लेन की रोड बननी है उनके द्वारा वो बननी है, 2024 में काम शुरू होगा लगभग, जो जानकारी है। लेकिन इस बीच कुछ मैंने नाम लेना चाहूँगा, लोगों ने लिख के दे दिए कि अतिक्रमण है, ये है, वो है, उसको लेकर के तो उसको हटवाया जाए, तो डीएमसी वालों को रिपोर्ट नोटिस दे दी गए, और SDM साहब ने शायद उस नोटिस पर रिपोर्ट लगा दी, वो DMC के पास, मतलब DMC के अधिकारियों को आगे कि बीच का रास्ता साफ करवाया जाए, अतिक्रमण हटना उसको हटवाया जाए, तो उसी को रुकवाने आए थे। क्योंकि अतिक्रमण तो आप भी जानते हो कि लोग शहर में कर ही लेते हैं रोड पर, लेकिन ये चूँकि रोड बढ़ नहीं रही, अभी रोड बढ़ नहीं रही, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, DM साहब से भी रिक्वेस्ट की है, DMC वालों से भी रिक्वेस्ट ही की है कि आप लोग इसका अतिक्रमण तब तक ना हटाएं, मतलब तब तक मकान ना गिराएं जब तक आपका रोड पर चौड़ीकरण ना हो। जितने चौड़ीकरण होने लगे तो पूरी बस्ती घटेगी, लेकिन क्योंकि 14 मकान हटाने का मतलब कि टारगेटेड किसी को निशाना बनाया जाए, तो आप भाई इस तरह किसी को चिन्हित करके निशाना बना करेंगे काम ना करें, और सबके साथ सम व्यवहार रखें, और सबसे सामंजस्य बना करेंगे काम।